Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I will discuss about Kc. Derivation of the expression of Kc equilibrium constant of a general reaction. General reaction से हम Kc equilibrium constant Kc निकाल सकते हैं. First number दो type of reaction है. फॉरवर्ड रिएक्शन है और दूसरा रिवर्स रिएक्शन है. हम जनरल रिप्रेजेंटेशन करते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन का और रिवर्स रिएक्शन का. फॉरवर्ड रिएक्शन ये है ए प्लस बी, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है. आर रिएक्शन एफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन है. और दूसरा क्या है? रिवर्स रिएक्शन है, रिवर्स रिएक्शन है. सी एंड डी ये दोनों रिवर्स रिएक्शन है. जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन ये दोनों आपस में एक दूसरे को इक्विलिब्रियम करता है, इसको इक्विलिब्रियम रिएक्शन कहा जाता है. इट्स मीन फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रिवर्स रिएक्शन, इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम. हम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिस्कस करते हैं ये केमिकल इक्विलिब्रियम में डिस्कस करते हैं. फॉरवर्ड रिएक्शन है और रिवर्स रिएक्शन है, दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस करता है. तो ये है फॉरवर्ड रिएक्शन और ये है रिवर्स रिएक्शन. के तो कांस्टेंट होगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. जब हम ये साइन रिमूव करते हैं तो इस के बाद हम क्या लगाते हैं? एक इक्वल साइन लगाते हैं और दूसरा कांस्टेंट लगाते हैं. तो ये है इक्वल साइन एंड कांस्टेंट. ये है फॉरवर्ड रिएक्शन और ये है रिवर्स रिएक्शन. सी एंड डी रिवर्स रिएक्शन है. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या है? के एफ फॉरवर्ड रिएक्शन और के सी के आर रिवर्स रिएक्शन. तो हम ये ऐसे लिखते हैं, प्रोडक्ट ऊपर लिखते हैं और रिएक्टेंट हम नीचे लिखते हैं. तो ये है केसी, जनरल डेरिवेशन ऑफ केसी. केसी हम ऐसे निकाल सकते हैं जनरल रिएक्शन से. ये है सेकंड नंबर इक्वेशन. और ये केसी इज इक्वल टू फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रिवर्स रिएक्शन. इस दोनों का इक्वल है केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डेफिनेशन ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डेफिनेशन. द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस फॉर्म प्रोडक्ट्स. ये है प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स का प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लीकेशन. द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस फॉर्म प्रोडक्ट. इस दोनों को प्रोडक्ट कहा जाता है और इस दोनों को मल्टीप्लीकेशन की वजह से प्रोडक्ट बन जाता है. To the products, किसका products? Of the concentration of the reaction substance means reaction. Products का और reactants का जो ratio है, इस ratio को
हम केसी कहा जाता है, हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑन प्रेशर कंसंट्रेशन ऑन कैटलिस्ट, इस दोनों पर ये इंडिपेंडेंट है, इस तीनों पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंडिपेंडेंट है। और समटाइम केमिकल इक्विलिब्रियम इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ मास एक्शन। केमिकल इक्विलिब्रियम को लॉ ऑफ मास एक्शन भी कहा जाता है, ये भी जहन में याद रखिए। पॉइंट बी नोटेड, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज लार्ज, इट्स मीन दैट मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म एंड वाइस वर्सा। इक्विलिब्रियम एक ओपन कंटेनर में अटेन नहीं हो सकता बिकॉज द गैस मॉलिक्यूल एस्केप इनटू एटमॉस्फेयर एंड रिएक्टिंग डू नॉट फॉर्म प्रोडक्ट्स एंड डू नॉट अटेन इक्विलिब्रियम स्टेट बिकॉज एन इक्विलिब्रियम कैन अटेन इन क्लोज कंटेनर। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम के लिए? फर्स्ट नंबर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट और दूसरा टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम, तीसरा वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम, चौथा प्रेशर ऑफ अ सिस्टम, पांचवा कैटलिस्ट इफ यूज्ड इन अ सिस्टम रिमेन अनचेंज। दीज फाइव आर कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम।